तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है 30 अप्रैल। आज भाई उमर की मेहंदी है, 30 अप्रैल को मेहंदी है, और 1 मई को बारात है, और 2 मई को शायद वलीमा है। हाँ, 2 मई को वलीमा है। तो बाकी आज मेहंदी है, तो मेहंदी की तैयारियां चल रही हैं। जो मैं हूँ ना, मैंने तो कुछ नहीं अभी तक किया। तो जो मेरे तायाबू हैं और हरून के पापा, और हरून, अबू हरारा, तलहा, चाचू सारे गए हुए हैं सैलून में। वहाँ चल कर ना वो अपनी जरा सेटिंग वगैरह करा रहे हैं, या जो दाढ़ी उनकी होती है ना, उनकी जरा सेटिंग वगैरह करा रहे हैं। तो अभी चलते हैं नीचे, आपको चल कर ना सैलून में दिखाता हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन गोल पर सेट कर दे, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अभी चलते हैं सैलून में, वहाँ चलकर आपको दिखाता हूँ। तलहा सलोन से आ गया, कटिंग करा ली है ना। हाँ। अच्छे लग रहे हैं। और चाचू भी देखे आ गए हैं सलोन से सेटिंग करवा के दाढ़ी की। मास्टर कट सलोन एंड स्किन केयर पर आ गए हैं। अंदर चलते हैं, आपको चल के दिखाता हूँ जो जो हो रहा है अंदर। ये देखें जी, अभी मूसा की कटिंग हो रही है। कुछ नहीं होता भाई, बहुत अच्छे भाई कटिंग करते हैं। एक दफा मेरी भी की थी इन्होंने, बहुत अच्छी की थी। मूसा का मुंह देखे, मूसा क्या हुआ है? इसकी तरफ देखे, ये क्या हाल बनाया हुआ है, क्या हाल बनाया? अब बुरा, तुमने भी कटिंग करनी है, कटिंग करनी है या करवानी है? कटिंग करनी है, करनी है या करवानी है? करवानी है। मैं तो आपको कह रहा हूँ करनी है, तुम कह रहे हो हाँ। ये कहो करवानी है, है? तुमने नहीं कुछ करवाना? कुछ नहीं करवाना? साइड कटिंग क्या करवाना है? कटिंग करवानी है या शेप करवानी है? खाता करवाना है? अच्छा जी, दाढ़ी बहुत तुम्हारी बहुत ज्यादा आ गई हुई है, इधर करना, बहुत ज्यादा दाढ़ी तुम्हारी आ गई है। बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। मेरे बाल तो सही है, मैंने कोई नहीं कटिंग करवानी है। अगर मैंने कटिंग करवानी है तो एकदम से मुंह बिगड़ जाना है। भैया बहुत होता है, एकदम से बाल बिगड़ जाते हैं। हाँ, फेस खराब हो जाता है। अगर कोई भी फंक्शन हो ना, उससे 10-15 दिन पहले कटिंग करवाओ। मेरा भी है, मैंने कोई नहीं करवानी, मेरे बाल ठीक है। तो अभी मूसा की कटिंग हो रही है, उसके बाद होनी है मुर्तजा की, उसके बाद होनी है हरून की, फिर अबू हरारा की। तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाना है ना। तो मेहंदी का भी टाइम होगा, सिर्फ तो पीछे हो, कहाँ आ रहे हो? टाइम तो बहुत ज्यादा लगना है ना, घंटा लगी है। फिर मैं जाऊँगा, क्यों जाऊँ यार? मैं ठहर के, मेरा टाइम ही ज़ाया हो रहा है यार बैठ कर। तो यार मैं ना घर आ गया हूँ, क्योंकि उनको टाइम बहुत ज़्यादा लगना था। माशाल्लाह से चारों भाइयों ने ना कटिंग करवानी थी, तो मैंने कहा यार मैं आ जाता हूँ। मैं वैसे भी थोड़ी सी वीडियो बनाने के लिए गया था, तो मैं आ गया हूँ भी घर। सूट आज मैंने, ये जो ये कपड़ा है ना आपको, मैंने कल ब्लू कलर का सूट दिखाया था ना, वो मैंने आज पहनना है। दोस्तों अभी मैं आया हुआ था स्पीकर रोड पर, यहाँ से मैं दाल चावल लेने के लिए आया हुआ था। ये देखें, यहाँ से दाल चावल लिए हैं। तो अभी बैठ कर ना मोटरसाइकिल की घर की तरफ चलते हैं। तो यार चावल मैंने खा लिए हैं, तो आप लोग मौसम चेक कर सकते हैं, फिर से बादल बादल ना बन रहे हैं, और मुझे लगता है कि थोड़ी देर तक ना बारिश आ जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ना आए बारिश। ये देखे कनिया पड़ने भी लगी हैं, मैं कहता हूँ ना बारिश आए। यहाँ देखे सारा सेटअप बना रहे हैं, यहाँ कुर्सी आ गई है सारी, और यहाँ देखे तंबू चीज़ें लगा रहे हैं, टेंट शेंट लग रहे हैं। ये देखे कितनी ज़्यादा कुर्सियाँ आ गई हैं, यहाँ सारा सिस्टम बना रहे हैं, यहाँ बैठेंगे हम। मैं इनका आपको दिखा देता हूँ यार। तो यार अभी ना हम लोग अपने दरवाजे के आगे खड़े हैं, मैं और हारून। अच्छा आगे हारून की रहा है, इसे जोड़ इधर आओ हारून, है कहाँ जा रहे हो? दिखाओ कहाँ चोट लगी थी यार, दिखाओ ना सही यार, क्या हो गया? एक ये है और एक दो ये है। ये देखे यहाँ से इसकी शलवार भी फट गई है। ये ना पुल से नीचे आ रहा था, आपने देखा होगा ना पुल, वहां से नीचे आ रहा था। ये देखे भी है। पुल से ना नीचे आ रहा था, वहां पता नहीं तिलकर हो गई हुई थी, तो वहां से इसकी बाजी लगी है मोटरसाइकिल ऊपर, इसकी मामा भी साथ थी, तो बहुत गलत गिरे हैं।
उन्होंने टीका लगवाया अभी चांदनी का ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये थे टीके पे होनी थी जब इतनी तेज गाड़ी चलानी है तो होनी है। ओ पागल तेज गाड़ी बारिश में कौन इतनी तेज गाड़ी चलाता है? तुम चलाते हो मुझे तुम्हारा पता है। नहीं ना दरिए देखे मौसम कितना साफ है और यहाँ आप लोग चेक करें वहाँ पे जैसे शादी नहीं ना है यहाँ शादी है इसी वजह से ना यहाँ मौसम बहुत बादल वाला हो गया हुआ है। तो दोस्तों अभी मैं ना ऊपर आया तो अभी रात का टाइम हो गया हुआ है तो बादल जाने का नाम नहीं ले रहे हैं और ऊपर से हल्की हल्की बारिश भी पड़ रही है तो हमने कहा कोई बात नहीं कपड़े अपने पहने अल्लाह तला से दुआ तो कीजिए कि अल्लाह बारिश ना हो। तो अभी मैं कपड़े निकालने के लिए आया हूँ सिर को मैंने तेल लगा लिया था आपको पता नहाना है ना तो मैंने तेल लगा लिया था। तो ये ना अलमारी खोलते हैं और यहाँ से अपना सूट निकालते हैं। कौन सा सूट है? हाँ ये वाला चेक करेंगे ये सूट अजाने भी हो रही है यार। तो ये सूट को नीचे लेकर चलते हैं और नीचे चलकर नहाते हैं। तो सूट मैंने निकाल लिया है शापर से निकाल कर ना यहाँ बेड पर रख दिया मैं आपको दिखाता हूँ। चेक करें जी आप सूट मैंने निकाल लिया है बस ये शलवार में नाला डालना है और बाकी सूट अपने अपना निकाल लिया है चेक कर सकते हैं। नहा लूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ ये पहन कर और बाकी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर है और बहुत ही अच्छा धोबी ने प्रेस किया है। तो अभी मैं नहा लूँ जल्दी से फिर बाद में आपसे मिलता हूँ जी। आप फंक्शन के लिए रेडी हो जाएं आगे बहुत मज़ा आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक कर दें अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। अभी मैं ना नीचे आ गया हूँ अभी मैं आपको तलहा के कपड़े दिखाता हूँ। तलहा मुझे मिल गया बाकी तो मिल ही नहीं रहे हैं। ये देखें जी तलहा का सूट है माशाल्लाह क्या बात है। तलहा सदका उतारना था क्या बात है। तलहा आज कटिंग करा के भी आया था। आपने नहीं करवाई? नहीं यार मेरे कौन से बड़े बाल थे। चेक करें तलहा का सूट नीचे जूती तलहा की चेक करें। तलहा एक दफा मेरी भी फुल लुक दिखाओ यार। ये देखे मैं अंदर है ये देखे मैंने कपड़े पहन लिए हैं। मैं आपको ऊपर भी बता दिया ये नीचे मैंने जूती पहननी है। बाकी डन हो गया चलते हैं वहां और वहां चलकर जरा एंजॉय करते हैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखे दादा को ने भी कपड़े पहन लिए हैं और दादा को हम अत्तर दे रहे हैं। अरे तुमने कौन सा लेना है? एक मिनट खुशबू सुन के लेते हैं। हाँ ये दिखाना मुझे वो दे दे बोला ये वाला लेना है। चलो यार मुझे वो दे दो खुशबू दे ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा है। दादा के पास बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं ये बहुत 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 कीमती बाहर से आए हुए हैं और ये जो है ये तो 10,000 की एक है। हाँ वो जो ऊपर पड़ी हुई है ये जो ये 10,000 की है बहुत कीमती है। क्या बात ये 10,000 रुपये का एक है वो महंगे हैं इसे टिशू में लपेटे हुए हैं रून भी आ गया। क्या बात है ये देखें जी ताया ने भी कपड़े पहन लिए हैं प्यारे बहुत अच्छा बहुत प्यारे हैं। और यह देखें मेरे मामू ने भी कपड़े पहन लिए हैं और यहाँ जी अरुण ने भी पहन लिए देखो अरुण तुम तो ऐसे क्या बात है अरुण जैसा कोई नहीं प्यारा लग रहा। हाँ जी तुम्हें आई बहुत प्यारे हैं मुस्तफा क्या बात है। और यहाँ देखे चाचू भी आ गए कपड़े पहन कर भैया आ गए हैं हमारे टेंट के अंदर। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कितना माशाल्लाह प्यारा सेट बनाया है। तुसी बनाया जी वाह क्या बात है यार तुम आई ब्रांड। तो ना खाने में बिरयानी बनी है सबसे पहले ये खाते हैं और 7 बोतलें हैं फिर बाद में आपसे मिलता हूँ। देखे जी अरुण अपना फोटो शूट करा रहा है अब्दुल्ला भाई से ये सिर्फ मूसली है मेरे फेवरेट बन गया कर गया भैया भैया तो की कर रहे हैं खामोश क्या कर रहे यहाँ देखिए जी ढोल वाली टीम भी आ गई है अभी ये ढोल बजाएंगे। यहाँ चेक करें जी हैदर भी अपनी तस्वीरें खिंचा रहा है। हैदर क्या बात है क्या बात है
तो यार मेहंदी की रस्म हो गई है और ये देखे मेरे दोस्त मुझे मिलने के लिए आए हुए हैं। क्या बात है, अंश का नाम है, अंश हेलो कर दो। तो यार मेहंदी आप लोगों को बताया कि लेकर गए थे रास्ते से अनार भी चलाए थे और फिर मेहंदी वापस ले आए थे अपने घर जहाँ हम फंक्शन कर रहे थे पहले कहीं। तो फिर मैं हम लोग ना सारे इकट्ठे मिलकर दरवाजे के आगे बैठे रहे, वह आधा घंटा एक घंटा इंजॉय किया, बातें शातें की, फिर उसके बाद घर आ गए। घर आ गए अभी मैं कपड़े चेंज करने लगा और बाकी मैं इस वाइफ व्लॉग यही प्लान करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। बाकी कमेंट में हमें बताना है कि व्लॉग कैसा आप लोगों को लगा, मेहंदी का ये फंक्शन था। तो बाकी मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, बरात है वाली वीडियो के साथ, कल बरात है तो इंशाल्लाह बरात के कपड़े भी आपको दिखाएंगे, सारा फंक्शन दिखाएंगे आपको। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।